जी मानी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आगे का वीडियो देखने से पहले करना है आपको एक काम, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डू हिट द बेल आइकन। और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर कनिका शर्मा, जो कि पिछले 5 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और डायरेक्टर है WH होम्योपैथिक एंड एस्थेटिक क्लिनिक, जो कि द्वारका दिल्ली में है। डॉक्टर कनिका जी मानी हेल्थ शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर कनिका। हाँ जी, आज हम डिस्कस करेंगे नजला क्या होता है। ओके, सो आज का टॉपिक आपने हमें बता ही दिया है, एलर्जिक राइनाइटिस, जिसे हम हिंदी में नजला बोलते हैं। एंड यू नो, कोई भी चीज अगर खांसी जुकाम सर्दी नजला हो तो कहीं ना कहीं आप आपके ऊपर कहते हैं ना, बड़ी मुसीबतें आ जाती है, बिकॉज पूरी दिनचर्या पे फर्क पड़ जाता है। सो हमारे सभी व्यूअर्स को आप ये बताइए, आम भाषा में ये नजला क्या होता है? नजला क्या होता है? क्या होता है कि जब आप वेदर चेंज होता है या किसी को पोलन से भी एलर्जी रहती है, उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा एलर्जिक रिएक्शन होता है उसकी फॉर्म में जुकाम खांसी ये सारी दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। कुछ लोगों को इंस्टेंट सुबह उठते ही छींके भी आती हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है, नाक बंद हो जाती है, तो इस तरीके की समस्याएं होने लगती हैं। अच्छा, तो यानी कि नजला में बेसिकली बस नाक बंद होती है, मैं इसे एक किस्म का कोल्ड बोलूं? हाँ, आप कोल्ड कह सकते हैं, लेकिन क्या होता है, जैसे स्टार्टिंग में सिर्फ कोल्ड 2-3 डेज में ठीक हो जाता है, लेकिन नजला क्या होता है, काफी सालों तक भी चल जाता है अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हम नहीं कराते हैं। तो लाइक 3 months to 6 months भी काफी प्रॉब्लम करता है, या एज दी वेदर चेंज में आपकी प्रॉब्लम है वापस से अकर हो जाती है, तो उस तरीके की प्रॉब्लम आप कॉन्टिन्यूसली देखने को मिलती है। अच्छा, एक और चीज, नाक से ब्लीडिंग भी जो होती है, क्या उसे भी हम नजला ही बोलते हैं? नहीं, एक्चुअल में वो नजला नहीं होता, वो क्या होता है कि जैसे जिन लोगों को नजले की प्रॉब्लम होती है तो इन्फ्लामेशन की वजह से बार बार, जो आम भाषा में हम बोलते हैं कि मास बढ़ गया है, उसकी वजह से क्या होता है, जब हम बार बार जो कॉल्ड है उसको निकालते हैं तो वहां पे इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से कभी कभी ब्लीडिंग देखने को मिलती है, बट ईच एंड एवरी केस में वैसा नहीं होता है। अच्छा, और मैम ज्यादातर किन लोगों को होता है? बड़ों को होता है, बच्चों को होता है? इसमें ऐसा कोई एज का वो नहीं रहता है, बेसिकली ये आपको फैमिली से भी आ सकता है, लाइक आपके मदर फादर में किसी को प्रॉब्लम रही होती है तभी भी आ सकता है, या फिर लो इम्यूनिटी जिन लोगों की रहती है उनमें भी ज्यादा चांसेस होते हैं, या फिर किसी का कोई पुराना स्किन का कोई इश्यू रहा होता है तो कई बार वो स्टीरोइड मेडिसिन की वजह से आपका कन्वर्ट होके वो एलर्जिक राइनाइटिस या किसी भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, ऑल्सो आप इसका इलाज कैसे करते हैं होम्योपैथिक में, क्योंकि अधिकतर ऐसा लोगों का मानना है कि जब तक दवाई एलोपैथी नहीं होगी आराम जल्दी नहीं आएगा। देखिए, क्या होता है, आराम का तो ऐसा है होम्योपैथी में, अगर प्रॉब्लम आपकी लंबी होती है इसीलिए उसमें टाइम लगता है, लेकिन लोग सोचते हैं कि होम्योपैथी ही में टाइम लगता है, बट वैसा नहीं है। अगर आपको 2-3 डेज से प्रॉब्लम है तो वो विद इन 2-3 डेज ही नॉर्मल हो जाते हैं। होम्योपैथी में हम 2 तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, एक तो होता है थेरापेटिक, जैसे एलोपैथी में आप करते हो कि जो प्रॉब्लम आपको आई उसी के अकॉर्डिंगली हमने मेडिसिन दे दी। दूसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या होता है, जो आपकी प्रॉब्लम है जैसा आपका नेचर है उसी के बेसिस पे हम मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं, तो वो आपकी टोटेलिटी को ठीक करती है, मतलब जो बोलते हैं ना जड़ से इलाज, तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ही आपको जड़ से इलाज में हेल्प करती है। अच्छा, और अगर मैं बात करूं कि अगर नजला किसी को कई सालों से है, क्रॉनिक एलर्जिक राइनाइटिस है, क्या आगे चलकर ये एक बड़ी गंभीर बीमारी का भी रूप ले सकता है? हाँ, कई बार क्या होता है कि जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस में है, साइनसाइटिस का प्रॉब्लम भी साथ में आने लगता है, और साइनसाइटिस के साथ साथ माइग्रेन होने के भी चांसेस रहते हैं, क्योंकि क्या होता है जो हमारे एयर सैक है वो फ्लूड से फिल्ड हो जाते हैं, तो वो धीरे धीरे एग्रावेट होके फिर वो प्रॉब्लम काफी हद तक बढ़ जाती है। ओके, एंड क्या बुजुर्गों को भी नजले की दिक्कत रहती है, तो क्या उनमें भी होम्योपैथिक दवा उतनी एफिशिएंटली काम करती है? हाँ जी, होम्योपैथी सभी एज ग्रुप में बहुत अच्छे से काम करती है, और सबसे मेन चीज जो है, होम्योपैथी कभी भी किसी चीज में साइड इफेक्ट आपको नहीं देगी, मतलब आप एक बीमारी ठीक कर रहे हो तो आपकी वो जड़ से खत्म भी होगी और उसकी वजह से दूसरी कोई बीमारी भी नहीं होगी। तो यानी कि नजला जो है वो कंप्लीटली रिवर्सिबल है, मतलब ऐसा नहीं है कि लाइफ लॉन्ग दवा हाँ हाँ वैसा नहीं है, अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट आप कराते हो तो आपका जो नजला है वो प्रॉपरली ठीक हो जाता है, क्योर हो जाता है।
ओके सो डॉक्टर कनिका ने आज हमें कई सारी चीजें बताई ऑन एलर्जिक राइनाइटिस, जो से हम हिंदी में आम भाषा में नजला बोलते हैं. सो थैंक यू सो मच डॉक्टर कनिका, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से कीमती वक्त निकाला और जी मनी हेल्थ शो में आप हमारे साथ जुड़ी. थैंक यू. तो ये थी डॉक्टर कनिका जिन्होंने आज हमें एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में बताया. देखिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में ऐसा कहते हैं कि अगर जो बीमारी जड़ से आपको ठीक करनी हो तो डेफिनेटली होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का रुख करना चाहिए. बच्चे को नजला है, घर में किसी को भी नजला है, एक बार उसका इलाज सही से जरूर करवाइएगा. आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा. अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा. किसी और विषय पर भी अगर आप चर्चा देखना चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा. इसी के साथ मैं नेहा बजाज अब आपसे लेती हूँ इजाजत. मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में एक नए सुपर स्पेशलिस्ट नए मेडिकल एक्सपर्ट के साथ. तब तक के लिए आप देखते रहिए जी मनी हेल्थ शो. अच्छी सेहत हमारा बात.